सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का ये 68वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ पर लक्ष्मण जी के माध्यम से जैसे ही श्री राम को भरत जी के आने की सूचना मिलती है और लक्ष्मण जी उससे बहुत ज़्यादा उद्विग्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और श्री राम को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए निवेदन करते हैं लक्ष्मण जी। तो श्री राम का कहना है कि भई ये राज्य आदि प्राप्त करना ये मेरे संस्कारों में नहीं है। अगर राज्य आदि की प्राप्ति होती भी है तो वो आप सबके लिए है, मुझे संपत्ति प्रिय नहीं है। पर संपत्ति यदि आती है तो वो सबके उपकार के लिए प्रिय है, यदि प्रिय है तो व्यक्तिगत रूप से संपत्ति प्रिय नहीं है मेरे को, आपने खुद के लिए। और धर्म भी धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम च अपि लक्ष्मण भवताम अर्थे इच्छामि, आप तीनों भाइयों के लिए ही ये सब चीजें चाहता हूँ मैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि। मोक्ष तो अपने लिए होता है खैर, इसलिए यहाँ तीन चीजें गिनाई, धर्म अर्थ काम और ये सारी पृथ्वी, इस पृथ्वी का राज्य, ये सब आप लोगों के लिए चाहता हूँ मैं, मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत ऐसी इच्छा नहीं है। तो ये बहुत आदर्श स्थिति है। कल जो हम इस पे बात कर रहे थे कि व्यक्ति धन ऐश्वर्य से ऐसे कभी कभी डरते हैं जैसे कि सांप बिच्छू से डरते हैं ऐसे, तो ये भी उचित नहीं है। और कभी धन ऐश्वर्य आदि से ऐसे चिपकते हैं जैसे फेविकोल से चिपकते हैं, तो ये भी उचित नहीं है, दोनों भी उचित नहीं है। तो धन ऐश्वर्य आदि होना चाहिए लेकिन वो अपने व्यक्तिगत सुखों के लिए नहीं बल्कि समष्टि की सेवा के लिए, तो ये अच्छी स्थिति है। तो ऐसे ही श्री राम भी कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि वो ऐसा धन ऐश्वर्य आदि मुझे न्यायोचित तरीके से मिले तो ठीक है, वो सब आपके लिए है। लेकिन यदि वो किसी को दुखी करके परेशान करके मिले तो फिर मैं उसको नहीं चाहता हूँ। जैसे एक अमर बेल होती है ना, बाकी की जो बेल हैं वो कितनी भी फैलें अच्छी बात है, अमर बेल भी फैलती है, और लेकिन अमर बेल दूसरे का अस्तित्व मिटा के फैलती है। जिस भी पेड़ पे डाल दी ना, उस पेड़ का अस्तित्व खत्म कर देती है, फिर उसको नहीं उभरने देती है। तो ऐसा विस्तार नहीं होना चाहिए जो दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके फिर अपना विस्तार चाहते हैं, ये उचित नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। ये टेंडेंसी कुछ
मनुष्य शरीर में भी कुछ आत्माओं की होती है। वो रेस में जैसे दौड़ने लगेंगे ना, तो वो पहले ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ ना बहुत तेज दौड़ने वाला एक मेरा कॉम्पिटिटर खड़ा हुआ है, तो वो चलते समय ये सोचता है कि इसको कैसे टांग मार करके गिराना है, बस फिर तो मैं ही विजयी हूँ। तो आप विजयी होना चाहते हैं ये तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को गिरा करके विजयी होना चाहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। तो कभी भी अपनी विजय के लिए, अपनी उन्नति के लिए दूसरों को नहीं दबाना, दूसरों को भी उन्नति करने दो। आपकी उन्नति की सीमाएं, ये खुला आकाश है, आप कितना भी ऊंचा आगे जाएं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग अपने भाई बहनों को आगे नहीं आने देते, उनको किसी बहन को अच्छे संस्थान में यदि पढ़ाने के लिए भेजें तो फिर वो उसमें कुछ ना कुछ बाधा डालने की बात सोचते हैं। उनको लगता है कि अगर उस स्थान में, संस्थान में बहन पढ़ेगी, ये मेरे से ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, तो फिर मेरी तो घर में कोई पूछ ही नहीं होगी। कभी कभी बहनें ऐसे सोचती हैं कि ये भाई ज़्यादा विद्वान, धनवान, गुणवान बन जाएगा, तो फिर कभी भाई एक दूसरे भाई के लिए, कभी एक मित्र दूसरे मित्र के लिए ऐसे सोचते हैं, तो ये उचित नहीं है। इसका नहीं होना चाहिए। मेरा बेशक विकास ना हो, चलेगा बिना विकास के भी, पर मेरा ना हो और दूसरे का हो जाए, मेरे किसी भाई बहन का, मित्र का, ये नहीं चलेगा, ये उचित नहीं है। तो फिर ये भावना है, ये और ज़्यादा दुखदायी हो जाती है। बनेगा तो नहीं ही वो व्यक्ति, क्योंकि उसने पहले ये सोच लिया कि मैं बेशक ना बनूं, खुद तो नहीं बनेगा, लेकिन तो भी वो दुखी ही रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ तो ऋषि प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सब में मैं भी आ गया, मैं भी सुखी रहूं, दूसरे भी सुखी रहें। सर्वे संतु निरामय, सब निरोग हों, शरीर से भी, मन से भी, तो कितनी अच्छी बात है। सारे निरोग हों तो किसी को किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, किसी को किसी को देख करके दुखी नहीं होना पड़ेगा। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सभी देखें भद्र को, एक क्यों देखे। तो ऐसी ही श्री राम की दृष्टि है। तो ये प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। तो एक तरह से जो लक्ष्मण जी बहुत आक्रोश में थे, तो अपने इन वचनों से श्री राम उनको मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। तो इससे आगे पढ़ें, उससे पहले आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है। ओ माता जी प्रणाम जी। माता जी, जब रामायण पढ़ते हैं तो इसमें विचार उठता है कि मनुष्य बिना कर्म के तो एक क्षण भी नहीं रह सकता, और हर कर्म का पुण्य पावफल तो बनता ही है, लेकिन उसमें फिर इच्छाएं भी काम करती है कि किस इच्छा से कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो मतलब जितने भी ऋषि महर्षि और जितने भी सेवावर्ती भाई होते हैं, वो सेवा तो करते हैं, और जैसे स्वामी जी हैं वो सबको निरोग तो बना रहे हैं, लेकिन खुद का भी स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अन्य जो होते हैं वो दूसरों की सेवा में अपने ऊपर ले कहते हैं अत्याचार सा हो जाता है, कि मतलब अपने ध्यान नहीं रखते अपने शरीर का, अपने सुखों का। तो उसमें मतलब वो कर्म कैसा कर्म माने, मतलब वो आदर्श कर्म है या नहीं उनके लिए? नहीं, अपने को तो जो ठीक नहीं रखेगा वो सेवा कर ही नहीं पाएगा जी। तो अपने को ठीक रखना तो एक उसकी आवश्यक शर्त है। जो शरीर से खुद ठीक नहीं है या मन से खुद ठीक नहीं है, तो वो तो सेवा कर नहीं सकता, वो तो सेवा ले सकता है जी, दूसरे से दे नहीं सकता। सेवा दे ही वो सकता है जो फिजिकली मेंटली बिल्कुल फिट है। ये तो पहली शर्त है। महाराज जी दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने आप को पहले फिट रखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी विरजानंद जी और इतने उनके जो गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस जी, उन्हें बताते हैं स्वास्थ्य के प्रति मतलब ज़्यादा जागरूक नहीं रहे, इस वजह से उन्हें कैंसर, ऐसी कई बीमारी। तो उस स्थिति में सेवा नहीं कर पाएंगे ना जी, जिस समय रोगी हो गए उस समय सेवा नहीं कर पाएंगे। वितेषणा माता जी, ये तो मतलब एक बात जो है अंडरस्टूड है ना, कि ऐसी सेवा नहीं करना है कि अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। वे हम तो सेवक हैं तो अपने ऊपर तो क्या ध्यान दें। इतना भी ध्यान ना दें अपने ऊपर कि सेवा ही बाधित हो जाए, और इतना ज्यादा भी सेवा में ना लगें कि अपना ही स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना।
ऐसे बनाना चाहिए सेवा करने वालों को। तो प्रसंग ऐसे पड़े माता जी सुने भी, मतलब कई ऋषि महर्षियों ने मतलब समाज सेवा के लिए अपने प्राण तक त्याग कर दिए, दधीच जी और एक दो और भी जैसे, तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सेवा तो कर रहे हैं लेकिन अपने ऊपर वो कष्ट क्यों दे रहे हैं, जब दूसरे के ऊपर वो चाहते नहीं ऐसा कष्ट देना, किसी के प्राण जाए, अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। एक कबूतर का कि मतलब उन्होंने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर से मांस निकाल के दिया, तो जो मतलब शिवी जो अपने राजा थे तो उन्होंने मतलब उसको दंड क्यों नहीं दिया कि वो कबूतर का शिकार कर रहा है, अपना शरीर मांस निकाल के देना, मतलब वो वहां हिंसा बचाने के लिए अपने ऊपर हिंसा कर दी। उसका पेशा है, बहेलिया है, वो पक्षियों को मार करके ही उसका धंधा चलता है। जो शिकारी है, बहेलिया है, तो उसका ये पेशा है, तो उसको दंडित कैसे करेंगे? कुछ लोगों का पेशा ही है मछली पकड़ना, जो समुद्र के किनारे रहते हैं ना, तो वो एक जाति ही है, उनका पेशा है, उसको मना नहीं कर सकते हैं। और ये राजा हैं, तो राजा तो मनुष्यों के ही नहीं बल्कि उस उनके राज्य में जितने भी प्राणी रहते हैं उन सब की मुझे रक्षा करनी चाहिए, मैं उन सब का राजा हूं, ऐसा इनका भाव है। अब समझे अपना कर्तव्य उसके लिए ये भाव है, ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप गुरुकुल में रहते हो और गुरुकुल के हर प्राणी को सुख देना हमारा कर्तव्य है, ये समझें तब वो व्यक्ति कोशिश करेगा। और यदि किसी ने यही समझ लिया कि भाई मेरा पेट भरा, जगत का भरा, खुद खा करके अपने सो जाए, बाकी के लिए बचे या ना बचे, तो ये तो फिर उस व्यक्ति के अज्ञान का परिचायक है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य समझ नहीं रहा है ना। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को, हर भाई बहन को इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितनी की श्रद्धे स्वामी जी महाराज की है। जैसे महाराज जी मानसिक रूप से ऐसा सोचते हैं कि भैया पतंजलि योगपीठ में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब को संभाल के रखना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, इस परिवार के हर व्यक्ति को। भाई यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं कोई जरूरत पड़ती है, कोई दुख कष्ट क्लेश लगता है, तो उसमें सहायता करना, उसको हटाना जितनी मेरी सामर्थ्य है वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर भाई बहन को। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम तो यहाँ रह रहे हैं, जो दूसरे हैं उनको हमारा ध्यान रखना चाहिए। परिवार सबका है और परिवार में सबकी जिम्मेदारी होती है, छोटे से बड़े तक, चाहे कोई आज आया है ना इस परिवार में, उसकी भी इतनी जिम्मेदारी है। और यदि वो जिम्मेदार है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े वाले पीछे रह जाते हैं, छोटे वाले आगे निकल जाते हैं। घरों में देखा नहीं आपने कभी कभी कि ऐसा होता है कि एक बहू को आए हुए 20 वर्ष हो गए लेकिन वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है, और दूसरी आती है वो 2-3 साल में ही सबके ऊपर अपना प्रभाव जमा देती है, क्योंकि वो कर्तव्य परायण है। वो हर व्यक्ति की जो है ना गाय की भी सेवा करने का ख्याल रखती है, गाय का भी, कुत्ते का भी, बिल्ली का भी, नौकर का भी, ड्राइवर का भी, और परिवार के जो बड़े हैं सास ससुर और जो भी परिवार के लोग हैं उन सब का भी, पड़ोसियों का भी, व्रत त्योहारों का भी, हर चीज का ध्यान रखती है। थोड़े दिन में ओवरटेक कर जाती है 20 साल वाली को। तो ये व्यक्ति को ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, जिम्मेदारी का भाव, ये हर एक में होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं अब मुझे तो मेरा ध्यान रखना है, ये भी गलत है। और फिर दूसरों की जो इतनी जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति है तो उसको अपने आप को ठीक तो रखना ही पड़ेगा, तभी संभाल पाएगा ना दूसरों को। तो जो आप कह रहे हो कि जी उनको क्या जरूरत थी मांस अपना देने की, क्योंकि वो ऐसे समझ रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है एक पक्षी को भी बचाना, उसका पेशा है पक्षी मारना, तो कह रहा भाई मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो राजा जिस पेड़ के नीचे बैठा उस पेड़ पे आके वो बैठा है, तो उसने मेरा आश्रय लिया है, तो शरणागत की रक्षा करना ये राजा का परम धर्म है। और इसी धर्म को, इसी
नीति वचन को लेकर के ही श्री राम ने विभीषण की रक्षा की थी, क्योंकि उनको तो सब मना कर रही थी, लक्ष्मण जी भी, हनुमान जी भी, वही शत्रु का सगा भाई है, तो क्या भरोसा कि कोई साजिश करके आया हो, तो घुसपैठिया बन के आया हो, तो बोले किसी भी भाव से आया हो, लेकिन इसने एक बार कह दिया कि हम आपकी शरण में हैं, तो ये हमारा वचन है शरणागत की रक्षा करना। और ये निर्भयता, मैं फिर वो बात कहूंगी, कई बार कहती हूँ, ये निर्भयता उस व्यक्ति में आ सकती है जो अहिंसक हो। अभयम सत्व संशुद्धि वाला जो अभयता निर्भयता जो है ना, तो वो अहिंसा का पालन करने से ही आती है, वैसे नहीं आती। वैसे तो व्यक्ति भयभीत रहता ही है, कोई ना कोई भय व्यक्ति को लगा ही रहता है, बड़ों का भय, समाज का भय, देखने वालों का भय, आधे काम तो व्यक्ति भय के कारण करता है, अपनी श्रद्धा से नहीं करता है। आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो भय के कारण उठ करके योग करने जाते हैं कि भाई हमारे बड़े आचार्य वो क्या कहेंगे, नहीं गए तो पूछेंगे, शर्मिंदा होना पड़ेगा कि देखो ये गुरुकुल में रह के कि भी योग नहीं करता है। भय के कारण हम यज्ञ में जाते हैं, भय के कारण हम सारी दिनचर्या कर लेते हैं। अपनी श्रद्धा कितनी है वो हमारा है, और भय के कारण यदि कर रहे हैं, लोक लाज के कारण कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो लोग हमें अच्छा मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग अच्छा नहीं मानेंगे, वो व्यक्ति सारी जिंदगी खपा देता है, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता, खाली रहता है। और जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं कि वो काम करेंगे जिसमें हमारी आत्मा गवाही दे रही है, नहीं दे रही हो नहीं करेंगे, तो बेशक दूसरे लोग सब हमें बुरा ही माने, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु नानक देव जी को लोग अच्छा थोड़ी मानते थे, वे शादी हो रखी है, बीबी है, बच्चे हैं, इनकी सेवा करते नहीं हो, जब देखो भजन में लगे रहते हो, तो बोले हमें भजन करना ही अच्छा लगता है, इसलिए वो ही करेंगे, आप अच्छा मानो या बुरा मानो। नरसिंह भक्त को निकाल दिया था उनके घर वालों ने, बोले कुछ कमाई बमाई तो करते नहीं हो, जब देखो भजन करते हो, और आपकी पत्नी भी भजन करती है, आपको सपोर्ट करती है, तो ऐसा करो दोनों निकल के भक्ति करो, जाओ जंगल में। उनको निकाल दिया, बोले निकल जाएंगे कोई बात नहीं, अब हमारा मन भगवान में लगता है तो क्या करें, करते हैं ऐसे। तो ये व्यक्ति को खुद निर्णय लेना होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, किस काम के लिए मेरा जन्म हुआ है, उस कार्य को अपनी श्रद्धा से उस चीज को प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना, उसका तो परिणाम आता है। और जो दूसरों के भय से करते हैं, वो चाहे सारी जिंदगी धार्मिक अनुष्ठान करते रहो, तो फिर उनके जीवन का कोई परिणाम नहीं आता है फिर। धन्यवाद माता जी। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी मेरे ये प्रश्न है कि जैसे नवरात्रि चल रहा था, अब वो अष्टमी की रात्रि में से बताए थे कि ये काल रात्रि है, तो इसलिए आप 12 बजे तक जागरण कर लेना, और इसके जागरण करने के लिए बताए थे कि आप भजन कर लो क्या, फिर गायत्री मंत्र वगैरह कर लो, तो इस रात्रि में सोना नहीं 12 बजे तक। तो मेरे मन में हाँ गायत्री करते करते एक और एक प्रश्न आया, ये तो हाँ एक समय के हिसाब से आप बताया कि 12 बजे तक काल रात्रि होता है, तो जब ना, ना पूरी रात्रि होती है, मैंने तो ये कहा था कि कम से कम 12 बजे तक जग लेना। हाँ उसमें मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे हिसाब से, मेरी मत से ये तो काल रात्रि तो ये होता है जब हम मतलब ईश्वर मानव के शरीर पाते हुए भी, ईश्वर के संतान होते हुए भी जब हम उसकी बोध नहीं होता है, तो ये तो मतलब ये सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त जो दिन हम कहते वो दिन नहीं कहला, तो हर समय हो काल रात्रि के तुल्य होता है जब हमारी ईश्वर के बोध होता ही नहीं, मतलब विषय भोगों इंद्रिय भोगों गलत चीज जानते हुए भी हम जब उसमें डूबते रहते जो और सोते रहते उसमें, तो ऐसे जो काल रात्रि होता है जो कि ईश्वरीय अनुभव के बिना जो जीवन का जो चलते रहना हो, जो कालरात्रि, हम इस कालरात्रि में कैसे जागरूक रह पाएंगे हमेशा, अगर हम इसी प्रयास में अगर कुछ प्रयास थोड़ा सा भी करते हैं तो उसका असर क्या होता है ना, दिनचर्या में बाधित होता है।
अगर थोड़ा सा जागरण थोड़ा सा हो जाए तो फिर वो शरीर का धर्म तो वो फिर वो मतलब दिन में भी उसका बाधित हो जाता है कर्म, मतलब दिन जब ठीक तो से चलो हो गया आपका प्रश्न, क्योंकि उसको ज्यादा लंबा नहीं खींचना। तो भाई 365 दिन में से एक दिन यदि मैंने आपकी दिनचर्या बाधित की हो तो सॉरी, तो बाकी के 364 दिन का आप हाल बताओ अब मेरे को कि आप कितने जागते हो दिन में और रात में। और वो आपका जो आप कह रहे हो ठीक कह रहे हो कि भाई भगवान के अनुभूति के बिना या आत्मानुभूति के बिना जो दिन है वो भी रात्रि जैसे ही है, तो उसको हटाने के लिए आप करोगे क्या वो बताओ। जैसे हम मतलब उपाय क्या है, जैसे थोड़ा सा मतलब मन को और ज्यादा स्थिर करें, मन की स्थिर के ऊपर कैसे स्थिर होगा मन, जैसे ध्यान हो उपासना हो, जैसे कि मन की स्थिर से। तो मैंने तो ध्यान उपासना ही बताई आपको ना, इसलिए तो मतलब सारे अगर आप किसी आलंबन को लेकर के भी ध्यान उपासना कर लेते हैं तो उसकी हानि तो बहुत छोटी है। क्योंकि हाँ। कई बार आप लोग गपोड़े मारते मारते भी 12 बजा देते हो, कभी कभी कुछ लोग मोबाइल देखते हुए भी 12 बज जाते हैं, और फिर सुबह आप ये तो बता नहीं सकते हो कि मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, उठना तो 4 बजे ही पड़ेगा। तो यदि आपने किसी दिन 12 बजे तक भगवान का भजन करते हुए गायत्री का जाप करते हुए बिता दिया और सुबह आपको थोड़ी सी कम नींद होते हुए भी उठना पड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें हानि है, लाभ ही है। किसी भी आलंबन को लेकर के यदि व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म कर लेता है, क्योंकि वैसे तो करता नहीं है मनुष्य, और किसी आलंबन के कारण यदि कर लेता है तो उसमें कोई हानि नहीं है। और जो व्यक्ति बिना किसी आलंबन के भी, उनके लिए सब रात्रि या सब दिन नवरात्र ही हैं, शक्ति की पूजा ही है, उनके लिए किसी रात्रि में जागने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि वो विधान मैंने अपने जैसी आत्माओं के लिए कहा था, आप जैसी आत्माओं के लिए नहीं कहा था। जो बहुत ज़्यादा प्रबुद्ध हैं कि भाई जो हर पल ही मतलब इतने जागरूक हैं कि वो रात्रि को आने ही नहीं देते हैं, तो उनके लिए तो रात्रि का शयन भी जागरण जैसा ही होता है। या निशा सर्व भूतानाम तस्याम जागृति संयमी, वो तो जागता ही है सोते हुए भी, तो उनके लिए नहीं है ये अनुष्ठान, जो इतने ज़्यादा जागरूक हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन काल का प्रभाव होता है इसमें, ये कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। आपको पता है समुद्र में ज्वार भाटा पूर्णिमा को ही क्यों आता है, उससे भी ज़्यादा प्रकाश तो सूर्य का होता है, चंद्रमा से भी ज़्यादा। तो कुछ तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं ना ग्रहों की, उनका प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, इनका अलग तरह की रेज निकलती है, उनसे अलग तरह का प्रभाव होता है। तो ऐसे ही कुछ रात्रि ऐसी बताई हैं, जैसे होली, दिवाली और ये जो है कालरात्रि, दुर्गाष्टमी, जैसे ये सोमवती अमावस्या को कितने लोग आते हैं स्नान आदि करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है, हम नहीं जानते हैं उसके विज्ञान को। कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों के भी संयोग बनते हैं जिस समय की हुई उपासना आदि, थोड़ी उपासना आदि भी ज्यादा फलदायी नहीं होती है। अब इस बात को तो वो व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया है। अब जिसने किया नहीं और केवल दिमाग से ही, देखो सत्य कभी भी तर्क से नहीं पाया जा सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप कितने भी ज्यादा तार्किक हैं, आप दूसरों का मुंह तो बंद कर सकते हैं, ठीक है आपके तर्क जो हैं उनके सामने अच्छे अच्छों को आप चुप कर सकते हैं, सत्य नहीं पा सकते हैं। सत्य तर्क से परे है, न्याय दर्शन में तर्क को सत्य को प्राप्त करने के लिए साधन नहीं माना, सहायक माना है। 16 पदार्थ है ना, जो उनमें से एक तर्क भी है। तो वहां पर किसी ने पूछा कि भाई ये जब प्रमाण से उसको पाया जा सकता है तो तर्क का क्यों ग्रहण किया यहाँ पर, तो बोले तर्क प्रमाण में सहायता करता है।
लेकिन हर चीज आप तर्क से यदि सिद्ध करना चाहें तो फिर सत्य नहीं मिल सकता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो यही तो उपाय हम कर रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं कि भाई बहुत ऐसी अच्छी बातें सुने पढ़ें, और वो कह रहे हैं कि इससे नहीं मिलेगा। तो वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि आप प्रवचन ना करें या प्रवचन ना सुने, वहां पर ये कहा जा रहा है कि केवल इसके सहारे यदि आप सत्य को पाना चाहें तो वो ठीक नहीं है। उसको सुन कर के और जो उसमें बताया जा रहा है वैसा अनुष्ठान करना है, ये बता, इसलिए सुनना चाहिए प्रवचन। और जो वहां पर ये कहा कि न मेधया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब के सब बुद्धू बन जाओ, मेधा कोई खराब चीज है, ये अर्थ नहीं है। पर केवल किसी को अपनी मेधा बुद्धि के ऊपर ही घमंड हो, अहंकार हो कि मैं तो सर्वे सर्वा सब जानने वाला हूं, और प्राय हो जाते हैं उन लोगों को जिनकी बुद्धि तेज होती है, तो उनसे ये दोष आ जाता है उनमें, उनको लगता है कि ये जितने भी जो लोग हैं ये अंधविश्वासी हैं, श्रद्धालु को वो अज्ञानी मान लेते हैं। जो अत्यंत श्रद्धा से युक्त होते हैं बोले इनको ज्ञान नहीं है, तो फिर वो जो एक उनके पास जो बहुत अच्छा साधन था मेधा वाला, तो वो ही कहीं ना कहीं फिर बाधक बन जाता है। मेधा तो जरूरी है, बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि संसार की स्थूल वस्तुओं को भी बिना मेधा के प्रज्ञा के प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्म तत्व तो सबसे सूक्ष्म है, तो उसको तो बिना मेधा बुद्धि के प्राप्त किया जा ही नहीं सकता। उसके लिए तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, एकाग्र बुद्धि चाहिए, रितंभरा प्रज्ञा चाहिए, और लास्ट में कहा विवेक चाहिए। विवेक मतलब जो ठीक ठीक देख सके चीजों को, ऐसा विवेक होना ही चाहिए। पर उसके साथ साथ श्रद्धे स्वामी जी महाराज भी हमें बताते हैं पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना वो जरूरी है, श्रद्धा निष्ठा ये जरूरी तत्व हैं। तो सारी चीजें तर्क से नहीं सुलझेंगी, आप तर्क तो करें ठीक है। तो जो मैंने बताया था वो इसलिए बताया था कि कुछ काल का ना विशेष महात्म्य है, उसका वैज्ञानिक तथ्य है, तो इसलिए मैंने कहा था कि आज यदि आप करेंगे तो उसका और दिनों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा फल मिलता है। अब आप कहोगे जी आपको क्या पता, तो ऐसा मैंने आप तो पुरुषों से सुना इसलिए मैंने आपको बताया। अब ये रामायण भी तो मैं आपको आप तो पुरुषों वाले वचन ही सुना रही हूँ, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया वो आपको बताया, जो महर्षि पतंजलि जी ने बताया वो योग दर्शन के माध्यम से आपको बताया। तो ये हमारी एक परंपरा है, श्रुति परंपरा, जो हमने अपने गुरुओं से जाना वो फिर हमने आगे बताया, फिर उन्होंने उससे आगे बताया, तो ये एक परंपरा है। और देखो ये ऐसी चीज है जो अध्यात्म वाली है ना, तो इसको मतलब ऐसे दिखाया नहीं जा सकता है, इसमें विश्वास से ही प्रारंभ होता है। पहले तो हमें शास्त्रों के ऊपर अपने ऋषियों के ऊपर पहले विश्वास करना होता है, फिर अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान से फिर जो हमें वैसा फल मिलता है तब श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। तो यही प्रोसेस है, तो अब आप करके देख लो भाई, आपको यदि आप उसको विश्वास पूर्वक करते हैं और यदि आपको लगता है कि हाँ इससे हानि कुछ भी नहीं हुई, लाभ ही हुआ कुछ, तो फिर आगे कर लेना, और आपको लगता है कि ये सब अज्ञान की बातें हैं तो मत करो, बताना मेरा काम है, करना या ना करना उसमें आप स्वतंत्र हैं, ठीक है।